सरकार ने साबित कर दिया है कि उसके सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है जी। देखिए आज ये हिंदू मुस्लिम सामने लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है और आप उसे हिंदू मुस्लिम का मसला बनाकर जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इस सरकार के अंदर ना तो औरतों की इफ्फत और इस्मत महफूज है, ना इस सरकार के अंदर औरतें सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है। ये सरकार ने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है और इस सरकार ने लोकतंत्र का खात्मा कर दिया है हमारे देश के अंदर। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता की आवाज़ उठनी चाहिए, आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन आज जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हमारा मीडिया भी जो है एक तरफा जो है दूसरों की बातें सुना रहा है, सरकार की बात सुना रहा है, लेकिन जनता की बात नहीं सुना रहा है। हमारे देश के अंदर जो यानी राजनीति यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जुडिशरी है जो और जितने इदारे हैं, सब पर जो है फासीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हमने ये अभियान छेड़ा है 1 अप्रैल से और आज ख़त्म हो रहा है ये अभियान, लेकिन हमारी ये जो मुहिम है, हमारी जो कंपेन है, ये ख़त्म नहीं होगी, ये शुरुआत हो रही है और हम उस वक्त तक ऐसे नहीं बैठेंगे जब तक कि ये ऐसी निकम्मी सरकार को हटा ना दें। हम इस देश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई जा रही है, वो आर्थिक नीतियाँ सिर्फ एक विशेष वर्ग को सामने रखकर बनाई जा रही है। यहाँ के 74% रिसोर्सेज 1% लोगों के पास में है, 26% लोग रिसोर्सेज पर 99% लोगों का गुजारा कर रहे हैं। तो गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आदिवासी परेशान है, मुसलमान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएँ परेशान हैं। कोई तबका ऐसा नहीं समाज का जो इस वक्त में अपने आप को महफूज महसूस कर रहा हो। तो हम ये मैसेज लेके जा रहे हैं, देश की जनता के सीने पे दस्तक दे रहे हैं ताकि वो खड़ी हो। लोकतंत्र के अंदर असल आवाज़ जनता की आवाज़ होती है, वो खड़ी हो और ऐसी सरकार को हटाने की कोशिश करें। अभी अगर जैसे कि पूरे देश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो देखा जाए तकरीबन सभी जगह पे इस फांसीवादी सरकार की कहीं ना कहीं स्टेट में सरकार है और जितने भी बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं वो उन सारे राज्यों में हो रहे हैं। एक तरफ ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उन सभी राज्यों में ही क्यों इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है उन बच्चियों के साथ में? तो क्या आपको हमारे चैनल के माध्यम से आज करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो रियासतों में अलग अलग सूबों के अंदर ये बीजेपी की सरकार आ गई है, ये सिर्फ ईवीएम का खेल है। देखिए 31% लोगों ने वोट दिया था मोदी साहब को, 69% लोगों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन 31% में भी 16-17% वो लोग थे जो बेवकूफ़ बने थे इनके नारों के जरिए से। किसी नौजवानों को नारा दिया गया था, ख्वाब दिखाए गए थे अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ सबका विकास की बातें कही गई थी, लेकिन कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है। और हम ये समझते हैं कि जब तक ईवीएम नहीं हटता है, जब तक बैलेट के ऊपर यानी इलेक्शन नहीं होता, उस वक्त तक के हमारे मुल्क में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। तो ये सरकार जो है हर देश में उसने ये साबित कर दिया है, हर देश के हर रियासत में हर सूबे में साबित कर दिया है कि वो किसी का की सुरक्षा नहीं चाहती है, सबके सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रही है। अभी अगर इस सरकार के विषय में बात की जाए तो अभी 2 अप्रैल की हम हाल ही की घटना की बात करते हैं कि जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसने अपने अधिकार के लिए जो है बंद का आह्वान किया, लेकिन उनको जेलों में डाला जा रहा है। और इसी का अगर विपरीत हम देखते हैं, जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय मेरे मुस्लिम भाई अगर किसी बात के लिए संघर्ष करते हैं तो उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो क्या ऐसी RSS की प्रोडक्ट वाली सरकार इस देश में आगे रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? देखिए ये सरकार ने ये साबित कर दिया कि देखिए हमारे देश की न्यायपालिका है, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यानी इंस्टीट्यूशंस हैं न्याय के, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो संघी आतंकवाद था असीमानंद के जरिए से, साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए से, वो सब छूट के बाहर आ रहे हैं और जो बेकसूर लोग थे वो 15 साल 16 साल 17 साल के बाद जिंदगी गुजार कर निकल के हैं। तो इसमें ये सरकार ने साबित कर दिया कि इसने हर लोकतंत्र के जितनी भी इंस्टीट्यूशन थे सब पर कब्जा कर लिया है, तो यहाँ इंसाफ भी नहीं मिल रहा है लोगों को। तो हम समझते हैं कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी उस तक ये सूरत हाल रहेगी।